एक लड़का गाय मंडी गया है, उसको पता है कि कौन सा जानवर कैसा है, कितने का है, कोई इसको चूना नहीं लगा सकता। आज वो 10 लाख का जानवर लेने जा रहा है, मगर व्यापारी उसको चूना लगाने की कोशिश करेगा, आखिर में व्यापारी और लड़के की लड़ाई हो जाएगी। एक लड़का है जो प्रो लेवल का है, जब भी जानवर लेने जाता है उसको पता है कौन सा जानवर कितने का होता है। एक व्यापारी जो है, एक जो बेचने वाला आदमी है, जानवर बेचने वाला, वो उसको चूना लगाने की कोशिश करेगा, मतलब उसका कुछ थोड़ा बहुत फ्रॉड करने की कोशिश करेगा, नहीं ये जानवर तो हमने वहाँ से मंगाया, जो भी है, जिस तरह की सिचुएशन तुम बनाते हो, आखिर में दोनों की लड़ाई हो जाएगी। गाय खरीदने जा रहे हो तुम, हर साल तुम सबसे महंगी गाय लेकर आते होगे, इसलिए तुम्हें पता है कि कौन सी गाय कितने की है। चलो एक मिनट पूरा, आप गाय बेचने वाले हो, रेडी? तुम गाय बेचने वाले हो, रेडी गो। हाँ मैं कब से नहीं खा रही, क्या खाती है, सोना खाती है क्या? हाँ सोना ही खाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जानवर देख रहे कितने का ये? ये हाँ वैसे दान दिखा उसके देखना। अच्छा सॉरी सॉरी, दो 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 बताना, बता रेट, बता रेंज क्या है, रेंज तुम्हारी रेट बता, गाय जानवर का रेट कितना है, इतना बता। 10 लाख रुपए कर ले बात, आप खरीद लेगा? मुझे चूना लगा रहा है। नहीं भाई, सोना 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 दाल के चारा खाती है, दुबई दुबई से मंगाई है, सेहत शेखों के पास से, शेखों के पास से, सेहत के हिसाब से 10,000 वाली। इतनी मोटी तो दिख नहीं रही क्या, किसी और को लिया, देख ले उससे। 10 लाख की ये वाली बता देते। नहीं है ये तो बकरी है, इधर आ इधर आ इधर, ये देख, ये सोना जो खाती है वो लेके जा, 10 लाख रुपए का, समझ आ रहा है? मैं चल तेरे को दूसरा दिखाता हूँ, आजा 20 लाख वाला ले लेगा। तू मुझे चूना लगा रहा है? अबे तेरे को चूना क्यों लगाऊंगा, सोना मुझे पता है इसका रेट। अबे चल हट यहां से। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलो जबरदस्त। हां भाई नेक्स्ट कौन है? यूट्यूबर्स। चलो भाई यूट्यूबर्स, तुम्हारी सिचुएशन है। इंग्लिश के टीचर ने बच्चे की पिटाई कर दी है क्योंकि वो क्लास में इंग्लिश नहीं बोल रहा था। बच्चे ने रोते हुए घर पहुंचकर अपनी अम्मी से शिकायत कर दी। अब अम्मी आग बगुला हो गई हैं, उसने मेरे बच्चे को मारा कैसे? अम्मी स्कूल जाएंगी फिर वहां पर होगी खट्टी मीठी लड़ाई टीचर के साथ। फिर सुन लो, इंग्लिश के टीचर ने बच्चे की पिटाई कर दी क्योंकि वो क्लास में इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था। बच्चे ने रोते हुए घर पहुंचकर अम्मी से शिकायत कर दी। अम्मी आग बगोला होकर स्कूल आई हैं कि इसने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया, मारा कैसे? अम्मी और अम्मी स्कूल जाएंगी फिर वहां पर होगी उनकी लड़ाई। आई आप बताओ। टीचर आप टू सीन, हम दो सीन कर सकते हैं, मतलब मारा मैं घर से लेके और मैं घर से ले आया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, आओ जल्दी से रेडी। ये अम्मी है रेडी, बच्चे हैं गो। बेटा चलो ये पढ़ेंगे, सी फॉर कोकोनट। कोकोनटा कोकोनटा, अरे बेटा सी फॉर कोकोनट, कोनटाटा। इधर इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारे घर पे कोई तुम्हें पढ़ाता नहीं, चलो पढ़ो। नहीं मैं अम्मी को लेकर अम्मी मारा, इधर मारा, इधर मारा, टीचर ने मारा। कौन सा टीचर है ये? वो लंबा वाला ने आया, लंबे बालों वाली चुड़ैल, मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया तुमने? ये आपका बेटा है? जी हाँ ये मेरा ही बेटा है। मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया आपने? आप अम्मी ऐसे लगाया बोलते यूं पटो। मेरे बच्चे की हालत देख रहे हैं आप, क्या हो गई है? मैडम ये इंग्लिश स्कूल है। एक मिनट आप मेरे मुंह पे थूक क्यों रही हैं? मेरी बात सुन लें, देखें ये इंग्लिश इंग्लिश स्कूल है और इंग्लिश में बात ही नहीं करता। मैंने बोला मम्मा बड़ी बोलता रहता है, उसको सी फॉर कोकोनट पढ़ाएंगे तो वो कैसे बात करेगा? इंग्लिश सिखाए ना उसको आप, आपको खुद को तो इंग्लिश आती नहीं है। मैडम आप इतना ज्यादा ना बोले। टाइम आउट, टाइम आउट, टाइम आउट। चलो बेटे बोलो, नेक्स्ट कौन था? टिकटॉकर्स। चलो बेटे टिकटॉकर्स। वकील मुलजिम को मुजरिम साबित करने में लगा हुआ है। एक लॉयर है जो मुलजिम को इस पे इल्जाम लगाया, उसको मुजरिम साबित करने में लगा हुआ है। जज साहब यही है वो शख्स जिसने मस्जिद का लोटा चोरी किया है। मुलजिम वकील के हर सवाल का उल्टा जवाब देगा मगर वकील इसकी चोरी साबित नहीं कर पाएगा। सही है? देखो एक वकील है जो मुलजिम को मुजरिम साबित करने में लगा हुआ है। जज साहब यही है वो शख्स, अब तुम इस लाइन को निकाल दो, इस पे कोई सा भी इल्जाम लग सकता है, तुम कोई सा भी इल्जाम लगा सकते हो कि इस पे इसको इस पे ये इल्जाम लगा है इसलिए इसको यहां पर लेकर आया गया है, लेकिन वो कहेगा नहीं मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। फॉर एग्जांपल इसने गाड़ी की लाइट चुरा ली और ये पकड़ा गया हो, या कहीं भी चोरी करते हुए पकड़ा गया हो, तो वकील जो है वो इस मुलजिम को मुजरिम साबित करने में लगा हुआ है। एक जज साहब हैं लेकिन कर नहीं पाएगा, वो कोई कॉमेडी ऐसी बात किए जा रहा है कि तुम हर बात में वो तुम नहला फेंकते वो धैला फेंकते। आओ जल्दी से, जज साहब कौन है? जज साहब कौन है पहले ये बताओ। हाँ एक जज है, आप जज बन जाओ, आओ जल्दी से। अच्छा वकील कौन है, लॉयर कौन है? तुम लॉयर हो, तुम मुलजिम हो, कठहरे में खड़े हो जाओ जाके, कोई सभी इल्जाम लगा सकते हो।
किसी गाय चोरी करके भाग गया, कुछ भी कर सकते हो। चलो भाई टाइम नहीं है गाइस, रेडी गो। जज साहब जी, मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। क्या करते हुए? मैं पेंट कर रहा था, ये मेरे ग्लव्स चुरा के लेके गया। ग्लव्स? हाँ, मेरे दस्ताने चुरा के लेके गया ये। एक चोरी नहीं, इस पे 100 चोरियों का इल्जाम है। साबित करो, किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। तुम चुरा के लेके गए थे। जज साहब सब्जी बेचते हैं? हाँ, मैं सब्जी बेचता हूँ। दिखाओ सब्जी की दुकान। आलू है, गोभी है, भिंडी है, टमाटर है। देखो कहीं से नहीं लग रहा ये सब्जी वाला, ये पता नहीं क्या बेचता है ये सब्जी वाला। मैं क्या दस्तानों का करूंगा क्या जज साहब, आखिर मुझे ये पता है। क्या करूंगा? मैं बताता हूँ। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। तुम बताओ अपनी सफाई पेश करो। मैं सब्जी बेचता हूँ, मैं दस्तानों का करूंगा क्या, मैं पानी से वो साफ करता हूँ। उस दिन मेरे घर से दूध लेके भाग गया ये। ये मजदूर के हाथ है कातिया, ये सब्जी बेचते हैं। ये चोर नहीं हो सकता। ये फालतू इल्जाम लगा रहा है, झूठ बोल रहा है ये। इल्जाम तुम लगा रहे हो, वकील तुम हो। ये पता नहीं क्या क्या बोल रहा है ये। मैं गोभी कर बेचता हूँ, ये बेचता हूँ, वो बेचता हूँ। बहुत अल्लाह सर लो भाई, चैंपियंस मौका है तुम लोगों के पास। एक लड़का बस स्टॉप पर खड़ा अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है। स्टॉप पर खड़ा दोस्त उसको कॉल करता है, मैं बस 5 मिनट में स्टॉप पर पहुंच रहा हूं, जबकि वो अभी अभी सोकर उठा है। उसका दोस्त को कॉल करता रहेगा, वो 5 मिनट का बोलता रहेगा, वो तकरीबन 1 घंटे के बाद स्टॉप पर आएगा। और आज शदीद गर्मी भी है। फिर से सुन लो, एक लड़का बस स्टॉप पर खड़ा है अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है। स्टॉप पर खड़ा दोस्त को कॉल किए जा रहा है, मैं बस 5 मिनट में स्टॉप पर पहुँच रहा हूँ, जबकि वो अभी अभी सोकर उठा है, जो दूसरा दोस्त है। उसका दोस्त जो है वो कॉल करता रहेगा, वो 5 मिनट का बोलता रहेगा, तकरीबन 1 घंटे में आएगा। इस दौरान मोबाइल भी छिन जाएगा और गर्मी भी बहुत है। अब मोबाइल छीनने वाला भी बीच में कोई आ सकता है, जो स्टॉप पे खड़ा है, जो स्टॉप पे खड़ा है वो। चलो भैया आओ जल्दी से, मोबाइल छीनने के लिए कश्यप आएगी। कश्यप मोबाइल छीन के ले जाएगी, माइक लेकर आओ ना कश्यप। चलो भाई ये लो भाई, बस स्टॉप है, बहुत गर्मी है। कौन है बस स्टॉप पे, कौन खड़ा है? मैं खड़ा। ये बस स्टॉप है, आप घर के अंदर हो, आप घर पे हो। चलो रेडी गो। अबे यार ये कौन है, नींद से जगा दिया। अच्छी अच्छी बुरे। हेलो हेलो सलीम, कैसा है? मुसद्दिक क्या बात है। हाँ मैं तूने लगा ना, आ जाना, मैं आ गया तेरे पास, मैं यहाँ खड़ा हूँ स्टॉप पे। 5 मिनट में बस जल्दी यार, कहाँ पे है, कहाँ वैसे यार? आ रहा हूँ, कहाँ पे से आ रहे हैं सलीम? या अल्लाह पाक जल्दी आ जाए, ये भी नहीं बचेगा। ए माय, इसको फोन कहाँ से करूँ? सलीम आवाज आई। हेलो हेलो, पहुंच गए। अबे कौन सा पीटीसीएल लगा लिया? सलीम आ जा, सलीम मेरा कुछ भी नहीं बचेगा, मेकअप वेकअप सिर्फ आंखें नजर आ रही है। सलीम गर्मी भी बहुत है। दो मिनट सलीम, सारा मेकअप भी उतर गया सलीम, भूत लग रहा हूँ। हाँ क्या है? अरे मेरा पागल कर दिया, मनुष्य कहाँ था? यही पे था यार। अरे यार ऐसा भी नहीं करा था। टाइम अप। चलो पता ला, चलो भाई डिसाइड करें पहले, मेरी टीम बताए सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किस टीम की तरफ से आई है, सिचुएशन के हिसाब से बताइएगा। इसमें देखें दानिश भाई, इसमें हमेशा से यही है कि जो सिचुएशन इन लोगों को मिलेगी जी, उसके हिसाब से ये लोग लकी और अनलकी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें जो इंस्टाग्रामर्स को सिचुएशन मिली, उसमें ये लोग पूरा जिस तरीके से अभी सब कुछ हो चुका है, उस हिसाब से ये लोग ने जो परफॉर्मेंस की, उसमें इन लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी हल्की हो गई। ठीक है, बाकी हमारे यूट्यूबर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और टिकटॉकर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और चैंपियंस की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। अभी भाई नहीं, मुझे लग रहा है, आज सिचुएशन के हिसाब से जो मुझे लगा और जिन लोगों ने एक्टिंग अच्छी की वो टिकटॉकर्स से, उसके बाद चैंपियंस आते हैं और उसके बाद फिर यूट्यूबर्स। बाकी आप अपनी प्लीज़ राय दीजिएगा। अच्छा मुझे ऐसा लगा कि यूट्यूबर्स के पास ना आज बहुत मौका था
और बहुत सारी चीजें तुम लोग ऐड कर सकते थे। मुझे लगा कि वो एक तो इंग्लिश के टीचर थे, तुम्हें दो तीन लफ्ज इंग्लिश के बोलने चाहिए थे इंग्लिश के टीचर, क्योंकि मसला यही था कि वो अंग्रेजी बोल रहे हैं और दूसरा बच्चा जो है ना वो पढ़ नहीं रहा, तो उसी पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। खैर बिल्कुल सही बोला आपने, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस अगर सिचुएशन के हिसाब से किसी की थी वो टीम टिकटॉकर्स की थी। 3 पॉइंट्स जाएंगे तुम लोगों के साथ, 1 पॉइंट जाएगा चैंपियंस के साथ, हो जाएगा इस। Here in my arms, waiting for tonight. Whoa, I dreamed of this for so long, waiting for tonight. Oh, 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 oh. Hey, जमाने का पाकिस्तान का स्टार रैप दम है, आओ यहाँ पे। Put your hands up, bring it.